Hello everyone, welcome in RK Tutorial Simdega YouTube channel. Today we are going to discuss about the quotient ego present continuous tense, because previous class I have finished that quotient ego present indefinite tense. I hope you have done. But before starting the class, I want to say in present we are doing the quotient ego as well as speech. But I want to say that in Hindi कि हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन टेक के बाद स्पीच पढ़ेंगे, लेकिन डेली नहीं. क्वेश्चन टेक ग्रामर सेक्शन रेगुलर चलेगा, उसके बाद स्पीच चलेगा, बट वन बाय वन, एक क्लास के बाद हम लोग स्पीच. पिछला क्लास में मैं दिया हूं ना आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, उस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कीजिए. आफ्टर देन आई विल गिव द न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास. सो टुडे आवर ड्यूटी इज दैट बाय हुक एंड क्रूक वी हैव टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन टेक ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. दैट मींस वी हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन टेक ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर रूल ऑफ डिस्टिंग्विश द सेंटेंस. दैट मींस विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड क्वेश्चन टेक ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. बट बिफोर द स्टार्टिंग आई वांट टू रिकॉल यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी हैव रेड दैट जिस वाक्य के अंत में रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं. बट इट इज द क्वेश्चन टेक सो दैट वी विल एट द ना एंड ऑफ द सेंटेंस. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट. सो दैट माय रूल इज दैट जिस वाक्य के अंत में रहा हूं ना, रहा है ना, रही है ना, रहे हो ना, रहे हैं ना, रहे, उसे क्वेश्चन टेक ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं. जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं ना, मैं पत्र लिख रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. मैं पत्र लिख रहा हूं ना, क्वेश्चन टेक ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. दैट मींस एंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू ऐड द ना. सो माय रूल इज दैट जिस वाक्य के अंत में रहा हूं ना, जिस वाक्य के अंत में रहा हूं ना, रहा है ना, रहा है ना, रही है ना, रही है ना, रहे हो ना, रहे हो ना, रहे है ना, रहे है ना, रहे, उसे क्वेश्चन टेक ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. यू हैव टू राइट डाउन प्लीज. जिस वाक्य के अंत में रहा हूं ना, रहा है ना, रही है ना, रहे हो ना, रहे है ना, रहे, उसे क्वेश्चन टेक ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं. लेट्स वी टेक सम हिंदी एग्जाम्पल. सो माई फर्स्ट हिंदी एग्जाम्पल इज दैट मैं अंग्रेजी, आई एम टेकिंग वेरी सिंपल एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं. इट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बट आई एम एडिंग हियर ना, देन इट विल चेंज इन क्वेश्चन टेक. दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट रहा हूं ना, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं ना. सेकेंड, हम लोग हल चला रहे हैं ना, हम लोग हल चला रहे हैं ना, तुम पत्र लिख रहे हो ना, तुम पत्र लिख रहे हो ना, वह सिनेमा देख रही है ना, रही है ना, वे लोग आम तोड़ रहे हैं ना, तोड़ रहे हैं ना. आई कैन सी राम कपड़ा धो रहा है ना, राम कपड़ा, दिस इज द धो रहा है ना, धो रहा है ना. आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, सीता गाना गा रही है ना, सीता गाना गा रही है ना. सो दैट वॉट एवर आई हैव टेकन द हिंदी एग्जाम्पल, यू आर लुकिंग हियर रहा हूं ना, रहे है ना, रहे हो ना, रहे रही है ना, रहे है ना, रहा है ना, एंड अगेन यू कैन लुक हियर रही है ना.
That's why I have told you that जिस वाक्य के अंत में रहा होना, रहा है ना, रही है ना, रहे होना, रहे है ना, रहे, उसे question tag of present continuous tense का वाक्य कहते हैं। I am repeating once again, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ ना, हम लोग हल चला रहे हैं ना, तुम पत्र लिख रहे हो ना, वह सिनेमा देख रही है ना, वे लोग आम तोड़ रहे हैं ना, राम कपड़ा धो रहा है ना, एंड सीता गाना गा रही है ना। सो ईच एंड एवरी सेंटेंस यू आर लुकिंग दैट रहा हूँ ना, रहा है ना, रही है ना, सो दैट यू हैव टू रिमेम्बर रूल हाउ जिस वाक्य के अंत में रहा होना, रहा है ना, रही है ना, रहे होना, रहे है ना, रहे, उसे क्वेश्चन टैग ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। आई होप यू आर एबल टू डू विच वन रूल ऑफ डिस्टिंग्विश द सेंटेंस। सो लेट्स स्टार्ट रूल ऑफ मेकिंग द सेंटेंस। रूल ऑफ मेकिंग द सेंटेंस इज सेइंग दैट व्हाट इज सब्जेक्ट प्लस एम और आर और ईच प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। Already we know that because already we have read in the tense, so that subject plus am or are or is plus before plus object, but here am, are and is are the auxiliary verb, all are auxiliary verb, sabhi sahayak kriya hai, to dhyan rakhiyega jahan am hai wahan par amant ka bhi prayog kar sakte hain, am not, lekin ye question tag ka niyam kya kehta hai ki yahan koi bhi am bhi rahe तो एम के स्थान पर भी हम लोग आरेंट का प्रयोग करेंगे। आरेंट मतलब आर नॉट, आरेंट या आर नॉट, और जहां इज रहेगा वहां पर क्या किसका प्रयोग करेंगे, इजंट का प्रयोग करेंगे। मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये क्या लिख लिएगा आप लोग, आर लिख लेना है, एन फुल स्टॉप टी, तो क्या हो गया आरेंट, ये तो या का साइन है, आप जान रहे हैं, ये आरेंट हो गया, फिर क्या हो गया इजंट। अब रही बात सर यहाँ एम है तो एमेंट का प्रयोग आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन टैग का नियम बनता है कि एम रहेगा तो वह किस में चेंज हो जाता है, आरेंट में, और आर रहेगा तो आरेंट रहेगा ही रहेगा, और जहां पर इज लगाएंगे वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, इजंट। और ध्यान रखिएगा फर्स्ट सब्जेक्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट ऑलवेज बी सेम, पहला सब्जेक्ट और अंतिम जो सब्जेक्ट होगा वह क्या होगा, सेम होगा। आपको मैं पहले पिछला क्लास में या पहले बता चुका हूं, मतलब सब्जेक्ट प्लस एम और आर और इच प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरेंट और इजंट प्लस सब्जेक्ट। एमेंट का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा ग्रामर बोलता है कि एम रहेगा तो एमेंट के स्थान पर भी आरेंट का प्रयोग करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल लेट्स वी टेक सम एग्जाम्पल इन इंग्लिश। सपोज दैट माई एग्जाम्पल इज दैट मैं पत्र लिख रहा हूं ना, आई विल टेक द सिंपल एग्जाम्पल, मैं पत्र लिख रहा हूं, देन व्हाट विल हैपन, लुक हियर, आई मैं लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं ना, देन आई एम राइटिंग ए लेटर, लुक एट बोर्ड, आई एम राइटिंग लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं, बट ना, सो आई कैन एड हियर आरेंट आई, बिकॉज आवर रूल इज थिंग दैट सब्जेक्ट प्लस एम प्लस एम और आर और इज प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरेंट प्लस सब्जेक्ट, सो हियर आई इज अवेलेबल, सो दैट आई कैन राइट हियर आई, एंड क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी। सो इफ आई से हम लोग पत्र लिख रहे हैं ना, देन वी आर राइटिंग ए लेटर, वी आर राइटिंग ए लेटर आरेंट वी। If I say तुम पत्र लिख रहे हो ना, then you are writing a letter, very simple, you are writing a letter, aren't you? If I say वह पत्र लिख रहा है ना, then he is writing a letter, he is writing a letter, is available, here it is the s, is available, that's why I can write here isn't, he is writing letter, isn't he? If I say वह पत्र लिख रही है ना, then she is writing a letter, she is writing a letter, isn't she? Like that I can say वे लोग पत्र लिख रहे हैं ना, then they are writing a letter, aren't they? Like that I can say Ram patra likh raha hai na, then
राम इज राइटिंग ए लेटर इज अवेलेबल दैट साइड isn't here in the place of Ram, we can use also he or we can use the name also, but in grammar book you can find here in the place of Ram you can use here he. If any female name is, then you can find here which one, she. So you have to careful. So let's be discuss in Hindi, because some students told me that please sir Hindi mein bhi samjhaiyega. तो मैं कोशिश करता हूं कि हिंदी और हिंदी इंग्लिश और दोनों में बता दूं. हमारा रूल क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट प्लस एम और आर और इच प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अरेंट या इजंट प्लस सब्जेक्ट. यहां पर ना सहायक क्रिया के रूप में एम आर इस तीनों है, लेकिन यहां अरेंट और केवल इजंट है. तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर एम भी रहेगा. यदि यहां पर क्या मिलेगा, एम भी रहे तो एम के स्थान पर ना आप क्या कीजिएगा, एम के स्थान पर भी आप लोगों को क्या यूज करना है, अरेंट का ही प्रयोग करना है. मतलब एम किसमें चेंज हो जाता है, अरेंट में. ये ग्रामर का रूल है. और जहां आर रहेगा वहां तो अरेंट लगेगा ही लगेगा, जहां इज रहेगा वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, इजंट. तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं कुछ एग्जाम्पल यहां आप देख रहे हैं. सब्जेक्ट के रूप में मैंने क्या लिया, आई वी यू ही सी दे एंड राम, बोला सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट है. अब आई के साथ एम लगता है, we, you and they के साथ R लगता है, आप सभी जानते हैं. इसलिए मैंने यहाँ M और यहाँ यहाँ किसका प्रयोग किया, R. अब आपको पता है कि he, she और any name, he, she, it और any name के साथ किसका प्रयोग करते हैं, each का. इसलिए यहाँ पर he is, she is और Ram is का प्रयोग किया हूँ. उसके बाद क्या बोलता है, before. तो before के रूप में मैंने क्या लिया, writing. Because writing is the before of write. After then here you are looking object. So as a object I have taken here a letter. After then here aren't and isn't, आपको पता ही है जहां M रहेगा वहां भी aren't, R रहेगा वहां तो aren't रहेगा ही रहेगा. इसलिए यहां R है तो aren't, यहां भी R है तो aren't. बाकी जहां is रहता है वहां उसका isn't, यहां पर भी is है इसलिए isn't, यहां भी is है इसलिए isn't का प्रयोग होगा. और लास्ट में मैं बताया सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट क्या होगा, पहला सब्जेक्ट और लास्ट सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, सेम होगा. तो आई तो आई, वी तो वी, यू तो यू, ही तो ही, सी तो सी, दे तो दे, राम तो यहाँ पर राम, बट राम के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ही का प्रयोग कर सकते हैं. यदि कोई फीमेल नेम होता तो उसका किसका प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं. तो इस तरह से हम लोग इसका वाक्य बना लिए. सो लेट्स सी कम इन हिंदी ट्रांसलेशन, देन आई कैन सी आई एम राइटिंग लेटर aren't I, मैं पत्र लिख रहा हूँ ना. वी आर राइटिंग लेटर aren't we, हम लोग पत्र लिख रहे हैं ना. यू आर राइटिंग लेटर aren't you, तुम पत्र लिख रहे हो ना. He is writing letter, isn't he, वह पत्र लिख रहा है ना. She is writing letter, isn't she, वह पत्र लिख रही है ना. They are writing letter, aren't they, वे लोग पत्र लिख रहे हैं ना. Ram is writing letter, isn't Ram, राम पत्र लिख रहा है ना. मैं पत्र लिख रहा हूँ ना, हम लोग पत्र लिख रहे हैं ना. तुम पत्र लिख रहे हो ना, वह पत्र लिख रहा है ना. वह पत्र लिख रही है ना, वे लोग पत्र लिख रहे हैं ना. राम पत्र लिख रहा है ना. लाइक दैट यू कैन टेक लोड्स ऑफ एग्जाम्पल बिकॉज यू हैव टू लर्न इंग्लिश, बट विदाउट ग्रामर यू कैंट मेक द सेंटेंस. दैट्स वाई यू हैव टू रिमेंबर दिस रूल एंड यू हैव टू ट्राई टू मेक द सेंटेंस. आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल. इफ आई से दैट मैं पेड़ लगा रहा हूँ ना, देन हाउ टू मेक द सेंटेंस. आई एम प्लांटिंग ट्री aren't I, वी आर प्लांटिंग ट्री aren't we, you are planting tree aren't you, he is planting tree isn't he, she is planting tree isn't she, they are planting tree aren't they, Ram is planting tree isn't Ram or isn't he. Like that you can take lots of example because you have to learn English. So I am going to finish the question tag of present continuous tense. So how to remember, you have to remember क्वेश्चन टैग ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रूल ऑफ डिस्टिंग्विश द सेंटेंस. जिस वाक्य के अंत में रहा हूं ना, रहा है ना, रही है ना, रहे हो ना, रहे हैं ना, रहे, उसे क्वेश्चन टैग ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं. जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं ना, हम लोग गाना गा रहे हैं ना, राधा कथक नाच रही है ना. रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस एम और आर और इच प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस aren't और isn't प्लस सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग लेटर aren't I, we are writing letter aren't we, you are writing letter aren't you, he is writing letter isn't he, she is writing letter isn't she, they are writing letter aren't they, Ram is writing letter isn't Ram or isn't he. Like that you have to take lots of example and you have to practice because if you practice then you can master in grammar section and you will try to make the sentence and you will speak English. So that
I hope you are able to do. So we will meet in next class. So thank you very much for watching my video.